हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। एक्सेप्शनल केसेस, आज के इस लेक्चर में हम एक्सेप्शनल केसेस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ये चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, 8th क्लास का जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके बारे में हम उसमें जो भी एक्सेप्शनल केसेस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को एंड तक के देखना, क्योंकि ये सही में भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी केमिस्ट्री का पेपर बनता है उसमें एक ना एक एक्सेप्शनल का क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है, क्योंकि ये सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमें याद रखनी पड़ती है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। ये एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं वो केमिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं और एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखना। तो चलिए विदाउट एनी डिले अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के केस में एक एक्सेप्शनल केस देखने वाले हैं, जो कि है कार्बन का। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी जस्ट लाइक मेटल्स। मतलब अब जो हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जो कार्बन है वो भी एक नॉन मेटल है। पर जो कार्बन का एक फॉर्म है ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट होता है, जो हमारी पेंसिल के अंदर जो लीड होती है, ग्रेफाइट की लीड होती है, तो वो जो ग्रेफाइट होता है पेंसिल के अंदर वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, पर ये कार्बन जो है वो एक एक्सेप्शनल केस है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जस्ट लाइक मेटल्स। मतलब मेटल्स की तरह वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के केपेबल है। तो चलिए अब नेक्स्ट एक्सेप्शनल केस को देखते हैं, जो कि है आयोडीन। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ लस्टरस हैविंग शाइनिंग सरफेस जस्ट लाइक मेटल्स। मतलब जैसे हमने बात करी थी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो शाइनी नहीं होते हैं, उनमें कोई भी किसी भी प्रकार की लस्टर हमें नहीं मिलती है, पर जो मेटल्स होते हैं वो लस्टरस होते हैं। तो वैसे ही ठीक मेटल्स की तरह ही एक जो नॉन मेटल है आयोडीन, वो एक एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल्स का। आयोडीन नॉन मेटल होने के बावजूद भी एक शाइनी सरफेस है, रहता है उसका, और वो लस्टरस रहता है। तो चलिए अब नेक्स्ट उसके और बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सेप्शन को देखते हैं। एल्कली मेटल्स लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट जस्ट लाइक नॉन मेटल्स। मतलब कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ एक्सट्रीमली हार्ड जस्ट लाइक मेटल्स। मतलब यहाँ पे कुछ मेटल्स होते हैं एल्कली मेटल्स, जिनको हम बोलते हैं लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम सोडियम और पोटेशियम मेटल्स होने के बावजूद भी सॉफ्ट होते हैं जस्ट लाइक नॉन मेटल्स। और कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, मतलब डायमंड के फॉर्म में जो कार्बन होता है वो भी एक नॉन मेटल है। पर जैसे कि आपको पता होगा कि डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सरफेस इन द वर्ल्ड, और डायमंड का जो हार्डेस्ट सरफेस होता है जबकि वो एक नॉन मेटल है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ एक्सट्रीमली हार्ड जस्ट लाइक मेटल्स। मतलब जो डायमंड होता है वो नॉन मेटल होने के बावजूद भी एकदम मेटल जैसा हार्ड होता है, और जो अल्कली मेटल्स होते हैं जैसे लीथियम सोडियम पोटेशियम, ये मेटल्स होने के बावजूद भी सॉफ्ट होते हैं जस्ट लाइक नॉन मेटल्स। अब देन आगे बढ़ते हैं, फिजिकल स्टेट का ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो कि है मर्क्यूरी इज़ अ मेटल बट इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब जैसे हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं, पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हमेशा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में हमें मिलता है, तो इसीलिए ये एक एक्सेप्शन है मेटल्स का, जो कि लिक्विड स्टेट में हमें मिलता है एट रूम टेम्परेचर। देन अगर हम बात करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो सोडियम पोटेशियम सीसियम एंड गैलियम आर द मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स। मतलब
कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि सीजियम, पोटेशियम, गैलियम, ये सारे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है। जबकि हमने पढ़ा था पहले वाली वीडियोस में, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी होगी तो आप पहले वो वाली वीडियोस देख लीजिएगा। तो सोडियम, पोटेशियम और सीजियम और गैलियम, ये ऐसे मेटल्स हैं कुछ जो कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जबकि हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अब हम देखते हैं नॉन मेटल का एक्सेप्शन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में। डायमंड इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ वेरी हाई इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये डायमंड का जो नॉन मेटल होता है, ये एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। देन अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो डेंसिटीज जस्ट लाइक नॉन मेटल्स। मतलब एल्कली मेटल्स जो होते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनकी भी लो डेंसिटी होती है जस्ट लाइक नॉन मेटल्स। जैसे हमने बात करी थी कि जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, पर ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जिनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही लो होती है जस्ट लाइक नॉन मेटल्स। अब इसके बाद में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये हम अगले लेक्चर से पढ़ेंगे जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे मेटल्स की। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे एक्सेप्शंस जो कि डेंसिटी के ऊपर थे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर थे, फिजिकल स्टेट के बारे में हमने बात करी, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो मेटल्स होने के बावजूद सॉफ्ट होते हैं और नॉन मेटल्स होने के बावजूद हार्ड होते हैं, वो हमने देखा। हमने ये देखा कि जो आयोडीन है वो एक नॉन मेटल है, फिर भी उसका जो सरफेस है वो शाइनिंग होता है जस्ट लाइक मेटल्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट का एक एग्जांपल देखा हमने कि वो कैसे एक एक्सेप्शन है, वो एक नॉन मेटल होने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें एक्सेप्शंस जो है ये मज़ेदार भी थे और ये सारी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के जैसे भी इंटरेस्टिंग लगी हो और आपने ये वीडियो को एंड तक के यहाँ तक के अच्छे से देखा हो बिना स्किप करे। अगर आपने नहीं देखा तो वापस से एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। और इसके आने वाले वीडियोज़ के लिए आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियोस डालें तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। और जो हमारी साथी वेबसाइट्स है और इंस्टाग्राम हैंडल है उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी, तो आप एक बार उन पर भी विज़िट ज़रूर कर लेना। थैंक यू।